अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आई एम मिस सादिया नकवी। इस उम्मीद के साथ आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। आज का हम उर्दू वर्कबुक का काम शुरू करते हैं। इसके लिए उर्दू वर्कबुक खोलकर सफ़ा नंबर 45 को निकाल लीजिए। सबसे पहले हम यहाँ पर तारीख राइट कर लेते हैं। तारीख है हमारी आज की 26 अगस्त 26/8। उसके बाद आज का दिन है हमारा बुध का। हमने बुध राइट कर लिया, लिख लिया है। आज इस सफ़े पर जो हम काम करने जा रहे हैं वो हमारे हरूफ अल्फाज। इससे पहले हमने पिछले सफ़ात पर जो काम किया है वो अल्फाज हरूफ है, यानी कि जुड़े हुए अल्फाज लिखे हुए थे और हमने प्लस और माइनस का साइन डालकर हमने उसको तोड़ना था। और इस सफ़े पर हमारे अल्फाज हरूफ लिखे हुए हैं, यानी साइंस के साथ, प्लस और माइनस के साइंस के साथ हरूफ लिखे हुए हैं। हमने उनको जोड़कर अल्फाज में तब्दील करना है। ये तो तरीका आपको पिछले सफ़ात पर बताया गया है कि प्लस के साइन का क्या मतलब होता है। प्लस, इस साइन को कहते हैं जमा का साइन। इसका मतलब होता है जुड़ के बैठना, फ्रेंडशिप करना। और माइनस का क्या मतलब होता है? माइनस का साइन होता है इस तरह, और इसका मतलब होता है अलग हो जाना, टूट जाना, अलग हो जाना। तो आज हम इस सफ़े पर जो मश्क करेंगे वो इसी से रिलेटेड है। सबसे पहला लफ्ज़ है ते की छोटी शक्ल, उसके दरमियान जमा का साइन और फिर लाम। जमा का साइन हमें बताता है कि ते और लाम को जुड़ना है, दोस्त बनना है। तो किस तरीके से जुड़ना है मैं आपको बताती हूँ। इस तरीके से कि पहले ते की छोटी शक्ल लिख के दरमियान की लाइन में और इसके साथ जोड़कर लाम लिख दिया और ते के नुक्ते उसी के ऊपर आ गए। दूसरा लफ्ज़ है हमारा सीन की छोटी शक्ल, जमा का साइन और लाम, यानी सीन और लाम को हमने जोड़ना है। जोड़ना कैसे वो मैं आपको बताती हूँ। हमने सीन को लाम से इस तरीके से जोड़ना है कि जब हम पहले सीन की छोटी शक्ल लिखेंगे, आपने देखा है यहाँ सीन की छोटी शक्ल में दो शोशे। हम बच्चों के से इसको, इस वर्ड को, शोशे को हम टीथ बोलते हैं। तो यहाँ पर दो टीथ थे इसके। जब हमने दो टीथ बना लिए और यहाँ पर छोड़ दिया, तो यहाँ पर छोड़ने के बाद यहाँ से हमने लाम शुरू करना है। तो इस तरीके से बच्चों को बताएंगे हम कि सीन के 3 टीथ बन गए। दो शोशे नहीं डालने सीन के, इससे सीन प्रॉपर्ली नहीं राइट होगा और लगेगा सीन को मुकम्मल तौर पर नहीं लिखा हमने और उसके साथ हमने ऐसे ही लाम जोड़ दिया। तो सीन को जब हम लाम के साथ जोड़ेंगे तो इसके 3 टीथ बनेंगे। उससे अगला लफ्ज़ है पे की छोटी शक्ल और नून, इसके दरमियान में जमा का साइन है। इसका मतलब है पे को नून से जोड़ना है। कैसे जोड़ना है बताती हूँ। इस तरीके से कि पे की छोटी शक्ल लिखकर नून जो है वो हमारा नीचे की 3 लाइनों में आएगा और नून का नुक्ता उसके बीच में। अगला लफ्ज़ है हमारा ताज। ताज ही कैसे, इसको कैसे जोड़ के लिखेंगे? टूटा हुआ है, पहले ते की छोटी शक्ल है, उसके साथ जमा का साइन, अलिफ है, फिर उसके बाद माइनस का साइन और जीन। ते को हमने पहले, क्योंकि इसके दरमियान में जमा का साइन है ते और अलिफ के दरमियान में, तो हमने ते को अलिफ के साथ जोड़ना है। किस तरीके से? इस तरीके से कि त आ ता बन जाए। अब अलिफ और जीन के दरमियान में माइनस का साइन है और इसका मतलब है कि ये अल्फाज नहीं जुड़ेंगे, ये दोस्त नहीं हैं। ये मैंने आपको शरारती 9 की वीडियो में भी आपको बताया था कि अलिफ अपने से आगे किसी लफ्ज़ को नहीं जोड़ता है, इसलिए ये आगे जीम को भी नहीं जोड़ेगा और जीम अलग से ही लिखा जाएगा। उसी तरीके से जैसे ये लिखते हैं नीचे की 3 लाइन्स में, वैसे ही लिखा जाएगा इस तरीके से। अब हम अगला लफ्ज़ देख लेते हैं। हमारा है बे की छोटी शक्ल के साथ जमा का साइन, अलिफ, फिर माइनस और फिर ते, यानी बे और अलिफ के दरमियान में जमा का साइन है तो बे और अलिफ जुड़ेगा इस तरीके से, और अलिफ और टे के दरमियान में माइनस का साइन है तो ये नहीं जुड़ेगा क्योंकि अलिफ अपने से आगे किसी लफ्ज़ को नहीं जोड़ता है। तो ये टे ऐसे ही आएगा जिस तरीके से यहाँ पर लिखा, बिल्कुल इस तरीके से। एक दफ़ा हम ये तमाम अल्फाज को पढ़ लेते हैं कि क्या लफ्ज़ लिखे हुए हैं। सबसे पहला लफ्ज़ है तिल, दूसरा लफ्ज़ है सिल, तीसरा लफ्ज़ है पिन, चौथा लफ्ज़ है ताज और आखिरी लफ्ज़ है हमारा पांचवा लफ्ज़ बाट। अच्छा बच्चों, आपने एक चीज़ गौर की होगी कि इन तमाम अल्फाज में जो आखिरी लफ्ज़ है, जैसे लाम ऊपर तिल में आखिरी लफ्ज़ है, सिल में भी लाम आखिरी लफ्ज़ है, पिन में नून आखिरी लफ्ज़ है, ताज में जीम आखिरी लफ्ज़ है और बाट में टे आखिरी लफ्ज़ है, इन तमाम आखिरी अल्फाज की शक्ल जो है वो बड़ी शक्ल है।
छोटी शक्ल नहीं लिखी हुई, इसलिए क्योंकि हमेशा आखिर में बड़ी शक्ल आती है जब हम हरूफ अल्फाज करते हैं। तो इसलिए आपने इस चीज़ का बहुत ख्याल रखना है कि आखिरी हर्फ जो भी होगा उसकी बड़ी शक्ल होगी, छोटी शक्ल नहीं आएगी। आज का काम हमारा यहीं तक का है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।